मुंबई में आज राज ठाकरे ने हिंदू धर्म गुरुओं से मुलाकात की है, जिसकी चर्चा पूरे महाराष्ट्र में हो रही है। इस बैठक में हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा रहा। राज ठाकरे के घर में हुई ये मुलाकात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि अब राज ठाकरे अयोध्या जाने वाले हैं। ठाकरे खानदान में इस वक्त तेरा हिंदुत्व मेरा हिंदुत्व चल रहा है और कौन असली भगवाधारी है इसकी होड़ मची हुई है। तेरा हिंदुत्व मेरा हिंदुत्व, किसका हिंदुत्व सच्चा, किसका हिंदुत्व दिखावा। जो बनेगा हिंदू हृदय सम्राट वो ही करेगा महाराष्ट्र में राज। महाराष्ट्र की सियासत में भगवा की पॉलिटिकल कलर कोडिंग हो रही है। मराठी मानुष वाली सियासत में हिंदुत्व का तड़का लगाया जा रहा है। बरसों से सियासी जमीन बनाने में जुटे राज ठाकरे अब खुलेआम हिंदुत्व का झंडा लेकर राजनीति के मैदान पर उतर आए हैं। राज ठाकरे के दादर स्थित घर कृष्ण कुंज में हिंदू धर्म गुरुओं के साथ अहम बैठक हुई। मुद्दा हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र था। इस बैठक में गुरु मां कंचन गिरी और जगत गुरु सूर्याचार्य शामिल हुए। राष्ट्र महाराष्ट्र और हिंदू राष्ट्र ये पुराना इतिहास है। राष्ट्र नाम का ये पुराना नहीं सारा, तो आज हम इसको ज़्यादा बड़ा उठा के नीचे बैठना उससे अच्छा है आज सब लोग ने हिंदुत्व के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। हिंदुस्तान हमारा है, ये नारा हमारा है, हिंदुत्व हमारा है और हिंदुत्व के अंदर हर व्यक्ति इसमें जुड़ा हुआ है। यदि अगर अपनी श्रृंखला को सही तरीके से हम देखें तो सभी हिंदू हैं। इसलिए हिंदुत्व को स्वीकार के घर घर में अपना ध्वज लहराना चाहिए। हिंदू धर्म गुरुओं के साथ इस मुलाकात के कई मायने निकालने की जरूरत नहीं है। जब से शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनी है तब से महाराष्ट्र राजनीति में रीजनल हिंदुत्ववादी चेहरे का वैक्यूम बन गया है और इसी मराठी हिंदू वोट बैंक पर अब राज ठाकरे की नजर है। आपको पता है कि पहले से हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए जो भी कोई है, जो भी कोई आगे आता है, साधु संत हो जो भी कोई, उनके साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना डटके खड़ी होगी। और ये आज कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास उन्होंने पूरा विश्वास गुरु माँ को और महाराज को भी दिया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में राज ठाकरे साहब हिंदुत्व के लिए आगे आएंगे। मराठी मानुष वाली पॉलिटिक्स के भरोसे एमएनएस कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाई, बल्कि नुकसान ज्यादा उठाना पड़ा। राज ठाकरे ने बाल ठाकरे के हिंदुत्व को अपनाना शुरू कर दिया है और इसी रामबाण से वो अब शिवसेना पर अटैक कर रही है। शिवसेना के मुख्यालय शिवसेना भवन के सामने ही राज ठाकरे ने होर्डिंग लगवाई जो हर वक्त मुख्यालय से साफ साफ नजर आता है। इसमें बड़ा बड़ा लिखा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा का निशान। दशहरा के अवसर पर खुद को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी सियासी दल बताने की कोशिश करते हुए राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मुंबई भर में कई सारे ऐसे पोस्टर्स बैनर्स लगाए हैं जिसमें लिखा गया है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस वक्त हम हैं मुंबई के दादर इलाके में। दादर इलाका शिवसेना का गढ़ माना जाता है और यहीं पर सामने आप तस्वीर देखिए, ये होर्डिंग है जिसमें राज ठाकरे को आक्रामक मुद्रा में दिखाया गया, साथ ही में गर्व से कहो हम हिंदू है का नारा लिखा गया है। भगवान राम की तस्वीर है, रावण भी वहाँ पर है। इसके अलावा जो इनके पार्टी का जो झंडा है वो भी यहाँ पर जो है बैकग्राउंड में उसे भी दिखाया गया है। मैसेज एकदम क्लियर है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हिंदू नेता बनने का शंखनाद। राज ठाकरे से मिलने आई गुरु माँ कंचन गिरी को भी यकीन है, बाल ठाकरे के हिंदुत्व के असली उत्तराधिकारी राज ठाकरे ही हैं। गुरु माँ आपका ये जो विजिट है खासतौर पर मुंबई में राज साहब से मिलने का,
क्या वजह है, किस वजह से, किस पर्याय से? अप्पा साहब अप्सरे का बड़ा मन था कि ठाकरे जी से मिले, और क्योंकि वो बोलते हैं हृदय से हिंदू सम्राट हैं राज ठाकरे जी। क्योंकि मैं जब इन्होंने बात किया तो मैं बहुत साल पहले 95 में मैं बाला साहब ठाकरे से मिली थी, और उनकी छवि मैं उनमें देखती हूँ राज ठाकरे में। तो मैं इसलिए मैंने कहा कि नहीं, ये अगर हम लोग अगर उनसे बात करेंगे हिंदू राष्ट्र को लेके तो वो जरूर आगे आएंगे। बाला साहब ठाकरे का आपने नाम लिया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं वाला जो एक सबसे पहला नारा था, हाँ। जब 93 का जो अयोध्या के बाद हिंसा हुई थी उसके बाद उन्होंने एक नारा दिया था जिसके बाद लोगों को काफी ज्यादा भरोसा हुआ था। शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे जो उनके बेटे हैं वो पार्टी उसी के आधार पर बनी है, उसी के आइडियोलॉजी पे चलने वाली है। आपको लगता है कि वो जो आइडियोलॉजी बाला साहब ठाकरे ने दिया था वो कहीं भ्रमित हो गया है और राज साहब ठाकरे में आप भटक चुका है मिशन से? और मैं कहूंगी अगर सही अगर हिंदुत्व की अगर बात की जाए तो राज ठाकरे उसके लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं, क्योंकि उनकी बिल्कुल छवि, और वो हिंदुत्व के लिए बहुत काम किए हैं, और कई बहुत सारी चीज़ें बाला साहब ठाकरे से उनके अंदर गुण है बाला साहब ठाकरे का, जो उनकी जिद होती थी कि नहीं हिंदू जो है हमारा हिंदू गर्व से कहो हिंदू है, और बड़े सीना तान के किसी से भी डरते नहीं थे, बड़े निडर थे, तो वैसे ही छवि जो है राज ठाकरे साहब में है। हमेशा सफेद कुर्ते में नजर आने वाले राज ठाकरे की राजनीति का रंग भगवा हुआ तो दशहरे पर स्ट्रेटेजिकली केसरिया कुर्ता पहनकर सामने आए उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की अपनी परिभाषा समझाई। गेल्या वर्षी सुद्धा जे मोहन जी ने सांगितलं होतं हिंदुत्व म्हणजे काय, मी आणले त्यांची वाक्य ही आणलेली आहेत, पण एक मुद्दा मी स्पष्ट करू इच्छितो की आमचं हिंदुत्व म्हणजे काय। आमचं हिंदुत्व हे राष्ट्रीयत्व आहे, आणि शिवसेना प्रमुखांनी अनेकदा सांगितलेलं आहे, तुम्ही सुद्धा त्याला साक्ष आहात की पहिल्यांदी आपण माणूस म्हणून जन्माला येतो, जात पात धर्म हा नंतर आपल्याला चिकटतो, मग काय करायचं? आहे धर्माचा अभिमान असायला पाहिजे, धर्म पाळायचा पाळला पाहिजे, पण प्रत्येकाने आपापला धर्म आपल्या घरात ठेवायचा, आणि घराबाहेर जेव्हा मी पाऊल टाकतो तेव्हा हा माझा देश हाच माझा धर्म असलाच पाहिजे, हे आमचं हिंदुत्व आहे। उद्धव ठाकरे अपने पिता बाल ठाकरे से विरासत में मिले कट्टर हिंदुत्व को अपने नए सियासी साथियों वाले चश्मे से देख रहे हैं और दिखाना भी चाहते हैं, लेकिन कभी विचारधारा के साथी रहे शिवसेना और संघ के हिंदुत्व का फर्क अब साफ दिखने लगा है। हिंदू समाज अपने स्व को समझ ना पाए और वैसे ही कटा बटा रहे, इसलिए बहुत प्रयास चल रहे। जो जो भारत का है उसकी निंदा करना, जो जो भारत की है उसकी निंदा करना, भारत के जीवन की, भारत के धर्म की, भारत की परंपरा की, इतिहास की, वर्तमान की, व्यवस्थाओं की, सबकी निंदा करना, भारतीयों के हृदय में स्वयं के बारे में ही अश्रद्धा उत्पन्न करना, ऐसे प्रयास चलते हैं। शिवसेना खुद को ओरिजिनल हिंदुत्ववादी पार्टी कहती रही है। उद्धव ने भी अपने भाषण में साफ किया कि हिंदुत्व के एजेंडे के चलते ही वो बीजेपी के साथ रहे, लेकिन जब बीजेपी ने वादा तोड़ा तो उनका साथ छोड़ना पड़ा, और अब महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ जुड़ने के लिए नया साथी तैयार है जो ठाकरे भी है और भगवाधारी भी। आप अभी कैसा उसका मीनिंग निकालते अर्थ निकालते वो आपके ऊपर डिपेंड है, मगर अभी तक आप हमारा प्रवास देखेंगे तो हम अकेले ही चल रहे, मगर विचारधारा अगर एक साथ मिलती है तो आगे कुछ भी हो सकता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ठाकरे अयोध्या गए थे, रामलला के दर्शन किए थे, आशीर्वाद लिया, राम मंदिर निर्माण में 1 करोड़ रुपए के ऐलान का योगदान किया, और अब राज ठाकरे अयोध्या जाने वाले हैं। राज ठाकरे काफी दिनों से खुद को बाल ठाकरे के असली सियासी वारिस के तौर पर पोजीशन कर रहे हैं, कोशिश बाल ठाकरे का राजनीतिक इतिहास दोहराने की है। राज ठाकरे और उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मराठी मानुष के मुद्दे के लिए जानी जाती है। पिछले 12 सालों में राज ठाकरे ने पर प्रांतियों के खिलाफ कई आंदोलन किए और यह आंदोलन सुर्खियां भी बनी, लेकिन पिछले 1 साल 10 महीने से राज ठाकरे ने नॉर्थ इंडियन का न कोई मुद्दा उठाया और न ही इन मुद्दों को सुर्खियां बनाया। उन्होंने पर प्रांतियों के मुंबई में आने का विरोध भी नहीं किया। इसके विपरीत राज ठाकरे अपनी पार्टी को हिंदुत्ववादी पार्टी की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। 1990 के दशक में बाला साहेब ठाकरे ने एक नारा दिया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं,
और राज ठाकरे अब इसी नारे को एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा राज साहब ठाकरे आगे बढ़ो। साल 2020 की जनवरी में राज ठाकरे ने अपनी सोच और अपनी पार्टी के झंडे का नया रंग दिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के झंडे में चार रंग होते थे, नीला, पीला, सफेद, हरा, लेकिन अब पूरा का पूरा झंडा भगवा रंग में डूब चुका है। हिंदुहृदय सम्राट माननीय बाळा साहेब ठाकरे यांच्या जयंती निमित्त त्याला अभिवादन करतो। पक्षाचा नवा ध्वज मी आपल्या समोर सादर करतो। धन्यवाद। झंडे में छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा का भी निशान जोड़ा गया है, जो शिवसेना को यह बताता है कि शिवाजी पर सिर्फ शिवसेना का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले उद्धव पहले ठाकरे हैं, वो कहते हैं उन्होंने बाला साहब का सपना पूरा कर दिया, लेकिन उनको यह भी एहसास है कि गद्दी पाने के लिए उनका हिंदुत्व तो दांव पर लग गया, तभी बार बार सफाई भी देनी पड़ती है। जरूर स्वीकार ला जे 25, 30, 40 वर्ष आपले विरोधक होते त्यांचा हातात हात घेऊन मी सरकार स्थापन केलं, जरूर केलं, उघडपणाने केलं, चोरून मारून केलेलं नाहीये। पण याचा अर्थ असा नाही, अनेकांना असं वाटतं की हा भगवा खाली ठेवला, अजिबात नाही। ना आमचा रंग आम्ही बदलला, ना आमचा अंतरंग बदलला, आमचा अंतरंग सुद्धा भगवाच आहे आणि आमचा रंग सुद्धा भगवाच आहे। दूसरी तरफ राज ठाकरे ने अपने भाषण में नया प्रयोग शुरू किया है, वो अब हिंदू जनता को डायरेक्ट संबोधन करते हैं। माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, राज ठाकरे की नजर सीधे शिवसेना के हिंदू वोटों पर है। गठबंधन की सरकार में शिवसेना ने सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी को अपनाया है और अब राज ठाकरे हार्ड हिंदुत्व से शिवसेना की जगह लेना चाहते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जिसका हिंदुत्व ज्यादा असरदार होगा उसका ही राज होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।